हेलो दोस्तों, और आप सबका फिर से एक बार टेक्निकल नगेट में स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट BIOS। BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये हार्डवेयर का बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अपना टोटल हार्डवेयर सिस्टम चलता है BIOS के ऊपर, जो एक तरीके का फर्मवेयर है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया टेक्निकल नगेट। अगर दोस्तों आप किसी से पूछो कि कौन सा ऐसा चीज है जो हेल्प करता है मेरे कंप्यूटर के हार्डवेयर को रन करने के लिए, तो बोलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10। लेकिन इन सबको यही नहीं पता कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले भी कुछ आता है जिसे बोला जाता है फर्मवेयर। तो फर्मवेयर मतलब जो यूज होता है मेरे कंप्यूटर में, जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या फिर एक नया वर्जन है जिसे बोला जाता है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, जो स्टोर होता है मेरे ईईपी रोम में, जो कुछ इस तरह का दिखता है। ईईपी रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उफ, बहुत बड़ा नाम है ना। लेकिन अपने को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि CompTia ए प्लस में उसने CompTia वाले कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जिसमें फुल फॉर्म के रिलेटेड होगा। यानी कि उन्होंने ये बहुत ध्यान रखा है कि कोई ऐसा क्वेश्चन ना आए जिसमें कोई ऐसा MCQ के बोला जाए कि इस स्पेसिफिक चीज़ का फुल फॉर्म बताओ। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरा ये फर्मवेयर यानी कि BIOS या UEFI स्टोर होता है इस चिप में, जिस जो है ईईपी रोम जो होता है मदरबोर्ड के ऊपर। हम मदरबोर्ड के बारे में नेक्स्ट नगेट में जानेंगे। और एक कंसेप्ट, अगर मुझे इस फर्मवेयर को एक्सेस करना है तो वहाँ पे होता है CMOS सेटअप यूटिलिटी। अभी तुम लोग बोलोगे CMOS मतलब, CMOS स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। बच गए ना दोस्तों इतने सारे फुल फॉर्म्स के साथ। तो CompTia ने बहुत अच्छा चीज़ किया है कि हमें कोई भी क्वेश्चन फुल फॉर्म्स के रिलेटेड नहीं आएंगे। तो ये एक ऐसा यूटिलिटी, इसको CMOS सेटअप यूटिलिटी या CMOS सेटअप प्रोग्राम भी बोला जाता है, ये हेल्प करता है मुझे इस ईईपी रोम में इस फर्मवेयर को क्या करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। तो ये CMOS स्टोर होता है CMOS चिप में, जो भी होता है मदरबोर्ड के ऊपर। और इस चिप को पावर प्रोवाइड करता है CMOS बैटरी, जो होता है 3 वोल्ट का। अभी समझो इसमें मुझे कुछ चेंजेस करना है, मतलब मेरा एक फर्मवेयर है जिसमें मुझे कुछ एडिटिंग करना है या मुझे कुछ देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मेरे प्रोसेसर का टेम्परेचर देखना है, या मुझे मेरा फ़ैन कैसा रोटेट हो रहा है, कितने स्पीड में रोटेट हो रहा है वो देखना है, और मुझे उसको कंट्रोल करना है, उसका चेंज करना है। तो ये सब के लिए मैं क्या करूँगा, इस CMOS सेटअप यूटिलिटी से इस फर्मवेयर को एक्सेस करूँगा जो ईईपी रोम है, और मैं उसको चेंज करूँगा। तो जब मैं उसे चेंज करता हूँ तो जाके स्टोर होता है मेरे NVRAM में। NVRAM मतलब नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो एक टाइप का रैम है जो हम आने आने नगेट्स में पढ़ेंगे, जिसमें मैं रैम के बारे में डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि रैम का क्या होता है, कि जब पावर वो लूज होता है सिस्टम में, मतलब सिस्टम का पावर ऑफ होता है, तो रैम अपना डेटा को लॉस कर देता है। पर NVRAM वैसा नहीं है। NVRAM नॉन वॉलेटाइल रैम मतलब, नॉन वॉलेटाइल मतलब ना डेटा खोने वाला, डेटा ना खोने वाला एक ऐसा स्पेशल रैम है जो पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा को नहीं खोता। तो जो भी मैं चेंजेस इस ईईपी रोम में के प्रोग्राम में करूँगा वो कहाँ पर स्टोर होता है, NVRAM में। अभी हो सकता है मार्केट में नए 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 हार्डवेयर आते हो, तो मेरा ये BIOS का फर्मवेयर जो उस हार्डवेयर को सपोर्ट करता है वो नए हार्डवेयर के बारे में नहीं जाने। तो वहाँ पे एक कंसेप्ट है कि मैं इसमें ईईपी रोम में मेरे BIOS को या UEFI को अपग्रेड कर सकता हूँ, मतलब उसमें एक नया वर्जन डाल सकता हूँ, जिससे एक कंसेप्ट को बोला जाता है फ्लैशिंग। मतलब मैं इस फर्मवेयर को फ्लैश कर रहा हूँ, यानी कि पूरा निकाल के एक नया फर्मवेयर डाल रहा हूँ जो अपग्रेडेड फर्मवेयर है, उसे बोला जाता है फ्लैश। तो ये फ्लैश का कंसेप्ट
भी अवेलेबल है, तो चलिए देखते हैं कि फ्लैश के लिए कैसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे तो मैं अभी एक वेबसाइट में आया हूँ जो है एसिस की वेबसाइट, जिसमें मैंने इधर आया हूँ सपोर्ट पे ड्राइवर्स एंड टूल्स पे एंड विंडोज 10 में। यहाँ पे मैंने क्लिक किया था बायोस पे और यहाँ पे बायोस के कई सारे वर्जन्स है, तो मैं चाहूँ तो उसको यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकता हूँ, उस सेटअप को रन कर सकता हूँ विंडोज 10 में। हर एक प्रोडक्ट या हर एक मदरबोर्ड का बायोस अलग होता है, तो उनके खुद के वेबसाइट पे जाके आपको उसका बायोस का सेटअप डाउनलोड करना है अपडेटेड। अभी ज़रूरी नहीं कि हमेशा अपडेशन ऐसे ही हो, जैसे कि मैंने डाउनलोड किया डायरेक्ट सेटअप रन किया मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे और उसे अपग्रेड करने के लिए छोड़ दिया। कभी कभी हम लोग को उसे थंब ड्राइव के थ्रू, मतलब यानी कि पेन ड्राइव के थ्रू भी अपडेट करना पड़ता है। जैसे मैं पेन ड्राइव में उस फाइल को डालूँ, मैं सिस्टम रिस्टार्ट करूँ और जब चालू होते वक्त उस पेन ड्राइव से उस फाइल को बूट करूँ, तो इस तरीके के भी अपडेट अवेलेबल होते हैं। तो इट्स डिपेंड कि आपको किस तरह का अपडेट करना है और आपके मदरबोर्ड में किस तरीके का अपडेट सपोर्ट करता है। तो अभी चलिए देखते हैं कि मेरा बायोस का फर्मवेयर कैसे दिखता है। तो दोस्तों मैं अभी एक वर्चुअल मशीन में हूँ जिसको मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। चलो चालू करते हैं और देखते हैं। बायोस स्टार्ट करने के लिए मुझे की पूछेगा, जैसे कि अभी यहाँ पे की पूछेगा F2। ये फटक से फ्लैश हो गया। मैं फिर से इसे रिस्टार्ट करता हूँ और आपको मैं फिर से बताता हूँ कि ये F2 कैसे दिखता है। तो अभी मैंने फिर से रिस्टार्ट किया तो यहाँ पे एक F2 का आइकन आएगा, उसे आपको फटक से दबाना है और वो चालू हो जाएगा। तो चलो मैं बायोस में जाता हूँ। तो दोस्तों मैं एक बायोस में हूँ जहाँ पे आप ध्यान से देख रहे होंगे कि बायोस एक फिनिक्स का सेटअप बायोस है, ये दिखने में कुछ ऐसा है। तो अगर मैं यहाँ पे राइट एरो की दबाऊँ तो मैं राइट साइड में जा रहा हूँ, और लेफ्ट में जाओ दबाऊँ तो लेफ्ट साइड में जा रहा हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊँ कि ये कैसा है, तो आप नीचे देख रहे होंगे कि नीचे ऑप्शन दिया है हेल्प का, राइट दिख रहा है आपको हेल्प। हेल्प के लिए F1 सेलेक्ट करने के लिए आइटम ऊपर नीचे, ओके। तो ये सब चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। तो बायोस कुछ ऐसा है, जैसे मैं अगर डेट एंड टाइम सेट कर सकूँ, मेरा प्राइमरी स्लेव, मतलब मेरा कोई डिवाइस कनेक्टेड, जैसे CD-ROM है, हार्ड डिस्क है। अब ये एक वर्चुअल मशीन है इसलिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, नहीं तो यहाँ पे अगर मैं कुछ हार्ड डिस्क ऐड होगा तो यहाँ पे दिखाई देगा। फिर बाद में एडवांस सिक्योरिटीज रिलेटेड है कि मेरे पासवर्ड सेट करूँ, बूट ऑप्शंस है कि मेरा बूट ऑप्शन क्या है, और ये सब अवेलेबल है। तो मोस्टली ज़्यादातर हमें देखना होता है कि मेरा हेल्थ स्टेटस कैसे दिखा रहा है सब कुछ। यहाँ पे हमें हर एक चीज़ मिलेगा बायोस के बारे में इन डिटेल। जैसे मैं पासवर्ड सेट कर सकता हूँ सुपरवाइजरी पासवर्ड, कि मुझे एक्सेस करने के टाइम पे पासवर्ड पूछे बायोस में, और यूज़र पासवर्ड कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने से पहले वो पासवर्ड पूछेगा। तो मेरा बायोस कुछ इस तरीके है। ये बहुत ओल्ड बायोस है, आजकल UEFI आते हैं बायोस जिसमें आप माउस भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि बायोस में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है जो CompTia ने बोला है ध्यान में रखने के लिए फॉर एग्जाम पर्पस। तो देखते हैं कि बायोस में कौन से सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पस, जैसे कि पासवर्ड। जैसे मैंने अभी थोड़ी टाइम पहले डिस्कस किया कि मैं यूज़र या सुपरवाइजरी पासवर्ड लगा सकता हूँ। अगर मैं पासवर्ड लगाता हूँ तो मैं अगर बायोस को ओपन करना है तो वो मुझे पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा। तो बिना पासवर्ड के मैं बायोस को सेटिंग्स को, जैसे कि CMOS सेटअप यूटिलिटी को एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद बात करते हैं ड्राइव इनक्रिप्शन की, मतलब यहाँ पे आ जाता है बिट लॉकर। बिट लॉकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है विंडोज़ के, जो मुझे हेल्प करता है मेरे ड्राइव को, यानी कि डी ड्राइव, ई ड्राइव, सी ड्राइव को इनक्रिप्ट करने के लिए, लॉक करने के लिए, कि मैं पासवर्ड डाले बिना उस ड्राइव को एक्सेस नहीं कर सकता। उसमें हेल्प करता है मुझे TPM, दैट इज़ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। ये एक चिप होता है जो मदरबोर्ड पर होता है, तो ये पिन स्टोर करके रखता है कि मैं अगर मेरे सी ड्राइव को बूट करूं तो उसको ओपन करने के लिए, क्योंकि वो एनक्रिप्टेड है तो बिट लॉकर से, उसे ओपन करने के लिए मुझे पिन एंट्री करना पड़ेगा, पासवर्ड एंट्री। तो इस GPN चिप में वो अवेलेबल होता है पासवर्ड। ऐसे बहुत सारे मदरबोर्ड आते हैं जो आजकल असेंबल मदरबोर्ड्स है,
जिसमें TPM के चिप्स अवेलेबल नहीं होता है, तो वो मदरबोर्ड को हम लोग BitLocker यूज़ कर सकते हैं ड्राइव एनक्रिप्ट करने के लिए, पर उसमें C ड्राइव एनक्रिप्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें TPM चिप अवेलेबल नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लोजैक की, लोजैक फीचर्स एक्चुअली लैपटॉप्स में अवेलेबल होता है कि मेरा लैपटॉप कभी चोरी हो जाए तो मेरे जो भी पर्सनल डेटा फाइल्स है उसको मैं रिमोटली, मतलब कहीं पे भी घर पे बैठ के उस लैपटॉप के डेटा को इरेज कर सकता हूँ, तो मेरा ये सिक्योर डेटा किसी के हाथ में ना लगे। उसके बाद बात करते हैं सिक्योर बूट की। सिक्योर बूट एक्चुअली मेरे वायरसेस से प्रोटेक्ट करता है, बूट सेक्टर वायरसेस से। जैसे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है तो वो चेक करता है कि बूट होते वक्त कहीं वायरस तो नहीं जिस वजह से मेरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम अफेक्ट करे। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग को ध्यान रखनी है BIOS में, जो इम्पॉर्टेंट है, जो CompTia बोलता है पढ़ने के लिए। इसके बाद हम लोग अभी देखते हैं कि कौन से सेटिंग्स होते हैं BIOS के अंदर। और अगर मैं BIOS की CMOS की सेटअप यूटिलिटी को एक्सेस करूँ तो वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें देख सकता हूँ, जैसे टेम्परेचर, मतलब कि मेरा प्रोसेसर का टेम्परेचर क्या है, मेरा प्रोसेसर हीट हो रहा है या नॉर्मल टेम्परेचर पे चल रहा है, क्योंकि हो सकता है मेरा प्रोसेसर हीट हो के ऑटोमेटिकली सिस्टम मेरा बंद हो जाए, तो ये सब चीज़ें को मैं मॉनिटर कर सकता हूँ। फिर दूसरी चीज़, मेरा फ़ैन प्रॉपर स्पीड में चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहीं स्लो तो नहीं चल रहा, क्योंकि अगर वो स्लो चल रहा है तो मेरे प्रोसेसर को प्रॉपरली कूल नहीं करेगा या फिर मेरे सिस्टम्स के एयर को बाहर नहीं निकालेगा, कूल नहीं करेगा, तो उससे भी मेरे सिस्टम्स को क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है। तीसरी चीज़ आईडी मतलब इंट्रूजन डिटेक्शन। ऐसे बहुत सारे कैबिनेट्स आते हैं जिसमें लॉक होता है BIOS लॉक, कि अगर मैं उसे ओपन करूँ कैबिनेट को लॉक को, तो उससे मेरा एक लॉग जनरेट होता है। लॉग मतलब LOG लॉग, मतलब इवेंट लॉग जनरेट होता है, रिपोर्ट जनरेट होता है कि ये ओपन किया गया है। उसके बाद वोल्टेज, मतलब मेरे हर एक कंपोनेंट को वोल्टेज प्रॉपरली मिल रहा है कि नहीं, मेरे रैम को वोल्टेज मिल रहा है, मेरे प्रोसेसर को वोल्टेज मिल रहा है, मेरे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं, वो चीज़ मेरे को BIOS के अंदर वोल्टेजेस वाले सेक्शन में दिखाई देती है। फिर मैं आता हूँ क्लॉक स्पीड के बारे में। क्लॉक स्पीड में प्रॉपर मतलब मेगाहर्ट्ज में मेरा डेटा प्रोसेस हो रहा है। क्लॉक स्पीड एक्चुअली प्रोसेसर में होता है कि वो कितने फास्ट डेटा को प्रोसेस कर सके, डेटा के ऊपर काम कर सके। तो जितना ज़्यादा क्लॉक स्पीड होता है उतना अच्छा होता है। अलग अलग टाइप के क्लॉक स्पीड के प्रोसेसर आते हैं, जितना ज़्यादा क्लॉक स्पीड उतना ज़्यादा प्रोसेसर का प्राइस। तो ये क्लॉक स्पीड का स्पेसिफिकेशन, मतलब रिपोर्ट मुझे वहाँ पे दिखाता है कि मेरा प्रोसेसर कितने क्लॉक स्पीड पे वर्क कर रहा है। फिर उसके बाद है बस स्पीड। बस स्पीड यानी कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के बस होते हैं जो डेटा लेके जाने के लिए काम करते हैं। मतलब मैं BST बस की बात नहीं कर रहा, मदरबोर्ड के अंदर सर्किटरी होता है ये, जिससे ये बस फ्लो करते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा लेके जाने का काम करते हैं। तो बहुत तरीके के बसेस है, तो ये उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि बस स्पीड भी यहाँ पे मुझे बताया देगा कि प्रॉपर बस स्पीड पे ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, आपको ये समझ आया कि टेम्परेचर, फैन, आईडी, वोल्टेज, क्लॉक स्पीड एंड बस के बारे में। तो अब देखते हैं हम लोग के एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रह गई है, जिसे बोला जाता है पोस्ट। तो दोस्तों, ये है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब भी अपना सिस्टम हम ऑन करते हैं हमें ऐसा एक स्क्रीन दिखाई देता है, सबको अलग अलग टाइप का लेकिन इसी तरीके का होता है, जिसे बोला जाता है पोस्ट। पोस्ट क्या करता है, ये कुछ टेस्ट परफॉर्म करता है, मतलब ये मेरे प्रोसेसर को, रैम को, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स को चेक करता है कि वो प्रॉपरली वर्किंग है या नहीं है। अगर वो प्रॉपरली वर्किंग है तो उसे सिस्टम को ऑन करने देता, मतलब मेरा सिस्टम फिर ऑन होता है। अगर वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं है तो यहाँ पे वो अलग अलग बीप साउंड देता है। मतलब फॉर एग्जांपल, नॉर्मली जब मेरा सिस्टम चालू होता है तो एक बीप साउंड देता है। मतलब अगर आपके कंप्यूटर के अंदर एक बजर होता है वो होगा तो आपको एक बीप सुनाई देगा। लेकिन अगर वो प्रॉपर नहीं है, वो कोई टेस्ट किया जिसमें
वो फेल हो गया, मतलब उसने प्रोसेसर मदरबोर्ड हर एक चीज़ का टेस्ट परफॉर्म किया कि सब प्रॉपरली वर्किंग है, और कोई एक कंपोनेंट फेल हो गया तो उसको बीप से इंडिकेट करता है, जैसे 1 बीप 2 बीप 3 बीप्स। और ये बीप साउंड्स आप चाहे तो गूगल करके देख सकते हैं, अलग अलग बायोस के अलग अलग बीप साउंड होते हैं जिससे वो इंडिकेट करता है कि मेरा कौन सा कंपोनेंट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान करूँगी तो ये फिनिक्स का एक अवार्ड बायोस है, जहाँ पे वापस जैसे मैंने बताया ये प्राइमरी डिवाइस एक हार्ड डिस्क डीवीडी रोम कनेक्टेड है, डीवीडी सीडी रोम कनेक्टेड है, यहाँ पे कहीं पे हार्ड डिस्क दिखाई नहीं दे रहा। वैसे ही अगर मुझे डेल सेटअप के लिए, सेटअप यानी कि मैं इससे ये ओपन कर सकता हूँ सीमॉस सेटअप यूटिलिटी, अगर मेरे को कंटिन्यू करना है तो मैं F1 प्रेस कर सकता हूँ। तो ये भी एक तरीके का बायोस का पोस्ट का स्क्रीन है जो आपको नॉर्मली दिखाई देगा। तो दोस्तों आज हम लोग ने बायोस के बारे में सीखा, बायोस कहाँ पे स्टोर होता है, जिसका उसका फर्मवेयर है वो है EEPROM, और मैं अगर उसमें कुछ चेंजेस करूँगा वो स्टोर होता है NVRAM में। बायोस को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है CMOS सेटअप यूटिलिटी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और दोस्तों एक चीज़ मत भूलिएगा, घंटी बजाना मत भूलिएगा।